वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आज हम कैलकुलस अंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डेरिवेटिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था. कंटिन्यूटी में हमने जो रीड किया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं. कंटिन्यूटी में हमने ये देखा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट पॉइंट, ये से द पॉइंट इज ए, ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूज हो जाता है एट दैट पॉइंट पे. और सिमिलरली हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ये रीड किया था कि जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन वो है डिफरेंशिएबल हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली जा रही है. तो ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी डिटेल में. अब इन दो चीजों के बाद डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं. डेरिवेटिव्स में हमने ये पढ़ना है कि जब भी किसी एक वेरिएबल जो डिपेंडेंट है, वो जिस पे डिपेंडेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट, अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो क्या उससे रिलेटेड या उससे जुड़े हुए जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनमें कैसे चेंजेस आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी विद दिस टर्म. सो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डी बाई डी एक्स नोटेशन, मतलब इसकी जो नोटेशन है वो रहेगी डी बाई डी एक्स में, ठीक है. इफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए इसमें एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है x पे. अगर ये दोनों चीजें हैं तो x में जो चेंजेस आएंगे वही चेंजेस जो है साइमल्टेनियसली y में भी आएंगे. इफ देयर इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, सो इट मे राइज द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ y. तो x में जो चेंजेस आते हैं साइमल्टेनियसली वो y में चेंजेस को राइज करेंगे. तो अगर वो स्मॉल इंक्रीमेंट भी, सपोज किसी तरह का स्मॉल इंक्रीमेंट एक्स में होता है, तो वो स्मॉल इंक्रीमेंट चाहे मानियो डिस्टेंस का हो तो उसको हम डोनेट करते हैं डेल्टा एक्स के साथ. और इधर इस तरफ अगर सिमिलरली वाई में एक्स में चेंजेस आने की वजह से वाई में जो चेंजेस आते हैं उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा वाई के साथ. क्लियर है? तो लिमिट के कंसेप्ट को यहां लगाते हुए हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट जो भी द फंक्शन कुछ भी है जो हमारे पास है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई. क्लियर? ये अगर टेंड्स कर रही है फाइनाइटली तो या इसको हम लिख सकते हैं फिर डी एक्स वाई में डी वाई. इट मीन्स यू कैन से द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो डी वाई बाय में डी एक्स. क्लियर? द चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिटन बाय डी वाई बाय डी एक्स. क्लियर? सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे वैसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस अपने आप राइज होंगे. अगर कोई भी वैल्यू जो इसमें इंक्रीमेंट करती है तो वो साइमल्टेनियसली अपने आप जो है चेंजेस को राइज करेगी वाई वेरिएबल में. तो लिमिट की एग्जिस्टेंस करवाते हुए व्हेन वी राइट दिस नोटेशन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, सो वी कैन राइट इट इन द एग्जैक्ट फॉर्म डी बाय में डी एक्स ऑफ वाई. यू कैन से इट इज एज डी बाय डी ऑफ एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई. क्लियर? यू कैन से आप इस तरीके से ये बोल सकते हैं डी बाय में डी एक्स ऑफ वाई. जो भी यहां फंक्शन होगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमने लिखना है डी बाय में डी एक्स ऑफ वाई. क्लियर है ये बात? तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्लियर है? तो अब हम डेरिवेटिव्स को जो पर्टिकुलर नोटेशन के साथ डिनोट करने जा रहे हैं वो नोटेशन बनेगी यहाँ पे d बाय dx ऑफ
y. क्लियर है ये बात? अब हम आगे इसकी अगले रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं. सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स विच इज वेरी यूजफुल टू स्टार्ट विद द टॉपिक डेरिवेटिव्स. क्लियर है? तो सम रिजल्ट्स तो उस रिजल्ट में मान लीजिए अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म में बनता है, डी वाई डी एक्स में उसके चेंजेस को डिनोट करना है. मान लीजिए वो फंक्शन पावर रूल में है, x इज टू पावर n. क्लियर है? ये पहला वो सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में से पहली कैटेगरी है जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर n. क्लियर है? तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखिए, जो भी यहाँ फंक्शन होगा इन द टर्म्स ऑफ x, वो होल जो भी टर्म होगी यहाँ पे, उस होल टर्म का, होल एक्सप्रेशन का पावर n. n कैन बी एनी नंबर लाइक इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, नथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. क्लियर है ये बात? तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसके डेरिवेटिव कैसे करना है, n आगे, ये n पावर आगे आ जाएगी, जो भी इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ टर्म होगी f ऑफ x होगा. क्लियर है? तो n आगे आ जाएगी, f ऑफ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा. क्लियर है? और पावर में n माइनस वन हो जाएगा. देखिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है f ऑफ x, और क्लियर करके लिखती हूँ यहाँ पे. क्लियर है? ये फंक्शन मैंने लिखा है f ऑफ x, ठीक है? अब इसका जब डेरिवेटिव होगा तो जितनी होल पावर होगी वो पावर आ जाएगी आगे, ठीक है? और ये जो फंक्शन है इसका जब डेरिवेटिव होगा तो ये डिनोट किया जाएगा f डैश के साथ. क्लियर है? या आप लिख सकते हैं n d by dx ऑफ f ऑफ x यहाँ पे, देन होल की पावर, इसकी होल पावर n माइनस वन. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल की बात कर रहे हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है? ये एक एग्जांपल है. अब इसका डेरिवेटिव करना है, वी नो कि y इक्वल टू एफ ऑफ x फंक्शन होता है, ठीक है? तो y इक्वल टू x स्क्वायर ये फंक्शन हो गया, तो डी वाई वाई में डी एक्स. क्लियर है? इसका डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वाला फंक्शन यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या चीज बन गई? अब ये देखिए, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर होल पावर टू लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक्स की होल पावर हमने लिख दिया टू, ठीक है? अब ये जो टू है वो आ जाएगा आगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है? वो आ जाएगा आगे, तो जो फंक्शन बचेगा उसकी पावर n माइनस वन, यानी कि यहाँ पावर कितनी है, टू माइनस वन, ठीक है? तो ये बन जाएगा टू एक्स की पावर वन. क्लियर है ये बात? यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसी का ही डेरिवेटिव अंदर आके n माइनस वन जो है वो रह जाएगा. क्लियर है ये बात? ठीक है? तो आपने क्या करना है, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन की होल पावर है तो सिंप्लीफाई करने के बाद, हो सकता है कि आगे चल के आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले व्यूज में, तो कुछ नहीं करना है, बस जब भी कोई टर्म है उसको सिंप्लीफाई कीजिए. करने के बाद या आपके पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड टर्म है तो जब उसकी होल की पावर आपके पास गिवन है तो वो होल की पावर को आप आगे ले आएंगे, और जितनी भी होल पावर थी उसमें से आप माइनस वन कर देंगे. तो ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिला, और ये एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा. इसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है वो हम करते हैं. अगले इम्पोर्टेंट रिजल्ट में हम बढ़ते हैं कुछ टी रेशोस की तरफ. टी रेशोस का हम जानते हैं
कि there are 6 ratios. पहली टी रेशियो है हमारे पास sin x. अगर आप डेरिवेटिव ऑफ sin x कर रहे हैं, क्लियर है, यहाँ पे ये जो है एक फंक्शन है, इस फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर cos x है. क्लियर है ये बात. आगे चलते हैं, dy dx ऑफ किसका करेंगे आगे, अगली टी रेशियो, दैट इज cos x का. ठीक है, तो cos x की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास sin x. क्लियर है ये बात, यानी कि dy dx ऑफ sin x ये बन गया cos x, और dy dx ऑफ cos x ये बन गया माइनस ऑफ sin x. ठीक है, आगे चलते हैं, dy dx ऑफ tangent x, अगली टी रेशियो. तो आपको पता है tangent x क्या होता है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद tangent x हमारे पास आता है, तो tangent x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही हमारे पास बनता है secant square x. ठीक है, तो dy dx ऑफ tangent x इक्वल्स टू secant square x. क्लियर, आगे चलते हैं, dy dx ऑफ tangent के बाद अब हम लेते हैं साइन का रेसिप्रोकल. आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट एक्स. तो कोसेकेंट एक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज माइनस कोसेकेंट एक्स इनटू में कॉट एक्स. ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स. इनके सामने इनके रेसिप्रोकल्स के डेरिवेटिव्स हम लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा डीवाई डी एक्स ऑफ, ये कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, बिल्कुल ठीक, सीकेंट एक्स. ठीक है, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव देखिए, सीकेंट एक्स प्रोडक्ट विद टेंजेंट एक्स. क्लियर है ये बात. उसके बाद dy dx ऑफ tangent x, ये आ गया आपके पास secant square x. ठीक है, तो अगर हम इसके बात करें tangent x के reciprocal की, तो वो reciprocal मैं यहाँ लिखूंगी, तो tangent x का derivative आपको भी पता है, वो होता है cot x. क्लियर है, tangent x का derivative होता है cot x, और secant square है tangent x का, तो cot x किसका बनेगा, cot x का derivative बनेगा minus स्क्वायर एक्स. देखिए आपको विद इन वन मिनट ये चीजें अभी लर्न भी हो जाएंगी, मैं इनको रिपीट करती हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स. क्लियर है, टैन एक्स का डेरिवेटिव है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स. क्लियर है, उसके बाद कोसेकेंड एक्स का करते हैं प्रोडक्ट में आएगा दो टर्म्स में, दो ही ऐसे टी रेशियोज हैं जिनके जो डेरिवेटिव होंगे वो दो टर्म्स में होंगे, बाकी सिंगल टर्म में चल रहे. देखिए इसका डेरिवेटिव सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, और ये भी सिंगल टर्म है, लेकिन इन दोनों के जो डेरिवेटिव होंगे वो दो टर्म्स होंगे और उनका प्रोडक्ट होगा. देखिए कोसेकेंड एक्स का, कोसेकेंड एक्स खुद भी है साथ में कॉट एक्स भी है, आगे माइनस लग गया. ठीक है, सेकेंड एक्स का वो खुद भी है उसका डेरिवेटिव में, और टेंजेंट एक्स भी है, साथ में जो सिंबल है वो पॉजिटिव का है. ठीक है, तो अभी आपको दोबारा से एक बार देखते हैं, साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर है, कॉट का माइनस का सेकेंड स्क्वायर है, और इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट में डेरिवेटिव आएगा. तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को आगे जहां पे भी ये यूजफुल होता है आपको इनको लेके चलना है और उनको यूज करना है. ठीक है, इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए, अगर इनके साथ कोई एलजेब्रिक वैल्यू या कोई टर्म या कोई कांस्टेंट टर्म इनके साथ एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है, तो उनके भी आगे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बन जाते हैं. सो लेट्स टू स्टार्ट विद दैट इम्पोर्टेंट रूल. ठीक है, तो अब हम वो इम्पोर्टेंट रूल्स करते हैं. तो वो हमें ये बताएंगे कि अगर हमारे पास सिंगल फंक्शन है, देखिए हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि आपके पास हमेशा यही क्वेश्चन एक सिंगल कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव पूछ लिया जाएगा, हो सकता है इसके एंगल में चेंज आ जाए, या इसकी पावर जो लीनियर है वन है, हो सकता है वहां पावर डबल ट्रिपल या कुछ भी हो सकती है. तो इन चेंजेस को करने के लिए हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स को, उसको भी हम रिजल्ट्स ले सकते हैं या इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में कंसीडर कर सकते हैं. नंबर वन हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास
y जो है वो constant term हो, clear है, d by dx of c हो, c का मतलब है यहाँ पे कि वो बिल्कुल constant term है, उसका derivative possible नहीं है, ठीक है, तो dc by में dx, तो आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया करने से पहले कि डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्स्टेंट टर्म जिसका जिसके अंदर मतलब किसी भी तरीके का वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर वाई इक्वल टू 100 है मान लीजिए, ठीक है, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं क्या लिखूंगी, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि d by dx of 100, ठीक है, तो 100 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है ना, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म का हमने लिखा हुआ है यहाँ पे c है, c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 0, तो 100 का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, 0, ठीक है, तो इसके साथ तो कोई वेरिएबल एड ही नहीं था, तो ये चीजें हैं। अब हम करते हैं अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि मान लीजिए d by dx of एक जो है कॉन्स्टेंट टर्म फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कैसे करेंगे, तो c इंटू में f of x, क्लियर है, एक ये जो c है वो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने अभी रेज किए हैं टी रेशोज में, उन टी रेशोज में ये आगे चल के अगर कोई उनके साथ कोई एल्जेब्रिक टर्म एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, कोई कॉन्स्टेंट टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो उसको हमने कैसे करना है। इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, तो सी अगर ऐसे किसी डिफाइंड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या इसका रिजल्ट रहेगा, सी जो है वो उस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, सिर्फ इस केस में कि अगर कांस्टेंट जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ एडिशन में है तो वो अलग केस है, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वाला केस है, सब्ट्रैक्शन में है तो भी अलग केस है, डिवाइड में तो भी अलग केस है, ठीक है, तो ये जो सी है, सी इज कांस्टेंट, तो अगर ये मल्टीप्लाई में है एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सी जो है वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कांस्टेंट हमेशा लाइक इंटीजर, रैशनल या किस तरीके का हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी सी जो है वो किसी भी तरीके का कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, रियल हो या मतलब रैशनल हो या इरैशनल हो, किसी भी तरीके का कोई एक नंबर हो सकता है, तो अगर मान लीजिए सी वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं कि टू ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाई है तो इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई डी एक्स ऑफ ये टू, वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, जो भी गिवन फंक्शन है उसका, यहाँ पे c क्या था, कॉन्स्टेंट है और मल्टीप्लाई है किसके साथ, और अगर मान लीजिए c जो है वो न्यूमिरेटर उसका 2 जैसे दिया हुआ है, अगर मैं इसको 1/2 लिख लूं यहाँ पे, यानी कि c की नेचर कुछ भी हो सकती है, c बिलोंग्स टू r, ठीक है, r डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब कन्फर्म है कि इसकी नेचर जो है 1, 2, 3, -1, 2, 3, 0, 1/√2, √2, 1/2, 1/5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये 2 था, अगर इस 2 की जगह मैं इरेज करके 1/5 लिख दूं, क्लियर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई चेंज नहीं आया है, सी की नेचर रियल है, मैंने आपको पहले ही यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है, सी बिलोंग्स टू आर, सी की नेचर कुछ भी है तो सी जो है वो कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी, नेचुरल भी, होल नंबर भी, कुछ भी, तो 1/5 है तो 1/5 भी बाहर आ जाएगा और जो भी फंक्शन होगा वाई उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, क्लियर है ये बात आपको। अब आगे चलते हैं, थर्ड जो है मेरे पास है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शंस जो एक्स में है अगर उन दोनों की एडिशन हो, ठीक है, यहाँ पे यू और वी जो है फंक्शंस ऑफ एक्स है, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स नहीं है, दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तभी मैंने स्मॉल करके
यहाँ आपको डिफाइन किया है छोटा करके यू ऑफ एक्स और प्लस वी ऑफ एक्स. तो आपने एक सिंपल बहुत सही तरीका है कि आप पहले यू के साथ डेरिवेटिव कीजिए प्लस साथ में डी बाई डी एक्स वी का कर दीजिए, यानी कि दोनों साथ साथ ही चलेंगे. तो आंसर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यानी कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे अगर वाई आपके पास एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर. ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है. तो डेरिवेटिव कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स. क्लियर, मैंने क्या किया एक बार इसके साथ लिख लूंगी प्लस करके. अब आपको पता है कैसे लिखना है, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर. ठीक है, बस फिर इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे और इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे. ठीक है, ये नोटेशन थी कि अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के एडिशन में हो, अगर ये चीज सब्ट्रैक्शन में है यहाँ पे तो बीच में माइनस आ जाएगा. क्लियर है ये बात, तो बीच में माइनस आ जाएगा. तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इनको फॉलो करते हुए आपने अपने इन इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को जहां पे भी टी रेशियो अलजेब्रिकली साथ या होल पावर, इन सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में ये चीजें जो है आपको बार बार देखने को मिलेंगी. तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, इन रिजल्ट्स का आपने ध्यान में रखना है और इनको आगे फॉरवर्ड करते हुए आपने इनको यूटिलाइज करना है जहां पे भी गिवन एक्सप्रेशन वाई फंक्शन ऑफ एक्स की उस सेंस में यूज होता हो. ठीक है, अब हम करते हैं इसके साथ दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं. मान लीजिए कोई बाहर का फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी अनदर फंक्शन के साथ, मीन्स टू से दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में. क्लियर है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो क्या रहेगा, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. क्लियर है, तो ऐसे में दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे पॉसिबल है, तो दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. टू फंक्शंस या मोर फंक्शंस, ठीक है, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं. क्लियर है, तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है. तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू में जी एक्स. ठीक है, दोनों तरफ मैंने डी बाई डी एक्स कर दिया, फाइन. अब आप किसी एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड सपोज कर लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए करना. तो डेरिवेटिव का रूल क्या है प्रोडक्ट में, कि अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो उनका डेरिवेटिव कैसे पॉसिबल होगा, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यानी कि अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. क्लियर है, एक बार एक फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरा का डेरिवेटिव होगा, प्लस बीच में लगाना है, फिर जिसका हो चुका है वो एज इट इज और जिसका नहीं डेरिवेटिव हुआ है उसका फिर डेरिवेटिव होगा. ठीक है, यानी कि एफ एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स रहेगा, ठीक है, प्लस जी एक्स अब एज इट इज रहेगा, अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्लियर है ये बात, तो एफ ऑफ एक्स
यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इन चीजों को अब हम ध्यान में रखते हुए अपने इस लेक्चर को ओवर करते हैं और ये चीजें आपके लिए यूजफुल होंगी। एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।